Here we go. हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम रूबिक्स क्यूब का ट्यूटोरियल वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, तो आज हम लेके आए हैं रूबिक्स क्यूब सॉल्वर कि कैसे आप अंडर 5 मिनट्स रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे। कोई भी पैटर्न हो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन ये पांच जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको याद रखनी है जो मैं बताऊँगा, तो स्टार्ट करेंगे। पहले हम बेसिक्स जानेंगे कि रूबिक्स क्यूब होता क्या है, ये है क्या, कहाँ से आया है। ये क्यूब है जो 1974 में हंगरी के एक प्रोफेसर ने डिज़ाइन किया था, अर्नो रूबिक जिसका नाम था, जिसकी वजह से इसका नाम रूबिक्स क्यूब रखा गया है। तो क्यूब है, क्यूब की वजह से इसका जो है इसमें 6 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 साइड्स हैं तो हम देखेंगे हर एक साइड से इसको जो है 9, अगर हम देखेंगे एलिमेंट्स हैं इसके 9 एलिमेंट्स हर एक साइड से। तो हर एक इसमें जो एलिमेंट्स हैं इनके अपने अपने नाम हैं, जैसे कि ये जो है ये फिक्स्ड, जो भी सबसे हर एक साइड में जो सेंटर पीस है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं होता। इस ये जो है ये हर एक साइड से फिक्स्ड और डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ से अगर आपने वाइट देखा तो वाइट के बिल्कुल अपोजिट अगर हम जाएंगे तो येलो दिखेगा। ये आपको हर जगह ऐसा ही मिलेगा, वाइट के अपोजिट में येलो। तो इसको जो है ये मूव नहीं कर सकते हैं हम, ये सेंटर पीस है। सेंटर पीस के बाद अगर हम देखेंगे तो हम ये जो पीस है कॉर्नर पे जो है इसको हम कॉर्नर पीस बोलते हैं। तो क्यूब में आपको पता होगा कि क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो इसमें भी 8 कॉर्नर पीसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कॉर्नर पीसेस के अलावा जो पीसेस अब रह गए इनको हम एज पीसेस बोलते हैं, क्योंकि इनके दो साइड्स आप देख सकते हैं। कॉर्नर में जो है इसके हम 3 साइड्स देख सकते हैं। ये जो है एज पीसेस, क्यूब में 12 एज पीसेस होते हैं, हर एक साइड जो आप देखेंगे 4 एज पीसेस हैं, 1, 2, 3, 4। ये यहाँ से भी आएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो टोटल ये 12 एज पीसेस हैं, ये इनको हम एज पीसेस बोलते हैं। ये पीसेस जो जिनको मैं इस वक्त देखिए ये जो मूव हो रहा है इनको हम एज पीस बोल रहे हैं। तो मूव कैसे होता है क्यूब, क्यूब को मूव करने के लिए अगर हम देखें, अगर हम रेफरेंस के लिए अगर हम क्यूब लेंगे तो हम येलो को हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे और वाइट जो है ये हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, ऐसे क्यूब रहेगा। और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, मैं जो भी एल्गोरिथम यहाँ पे बोलूँगा इसको ऐसे ही रख के आपको सॉल्व करना है। चाहे आप फेस ऐसे रखें वो डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो ही आप ये ध्यान में रखेंगे कि येलो ऊपर होना चाहिए और वाइट नीचे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्यूब को मूव कैसे करेंगे, क्यूब ऐसे मूव होता है, ऐसे मूव होता है, हर साइड से मूव होता है, ये बीच वाला मूव होता है, पीछे वाला नीचे मूव होता है। तो हम इनका अपना अपना एक ये है, अगर हम ये आपका है ये दिस इज़ राइट, तो हम इसको बोलते हैं राइट। तो ये हो गया राइट आपका, ये आपका लेफ्ट, ये आपका अप, ये आपका डाउन, तो ये आपका फ्रंट है और ये आपका बैक। तो करेंगे क्या हम, हर किसी का अपना एक डायरेक्शन है। अगर हम राइट को ऐसे करेंगे हो गया राइट अप, राइट अप। अगर हम राइट को ऐसे करेंगे तो राइट डाउन, जिसको हम आर डैश बोल सकते हैं, ये हो गया आर, ये हो गया आर डैश, आर आर डैश, ऐसे ही ये एल डैश हो गया, ये एल एल डैश, एल एल डैश, एल, ऐसे ही अगर हम ये देखेंगे ये हो गया यू यानी अप, ये हो गया यू डैश यानी अप, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन। तो सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप, इसको हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, 5 स्टेप है टोटल, तो 5 फार्मूलाज हैं याद रखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा येलो ऊपर की तरफ होना चाहिए और वाइट नीचे की तरफ हो, और पहला स्टेप ऐसा होना चाहिए कि ऊपर हम जो येलो सेंटर है इसको हम वाइट से प्लस बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फेसेस ऑलरेडी प्लस हैं, ये वाइट हैं सॉरी। तो अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे वाइट लाना है ताकि यहाँ पे एक वाइट प्लस बने येलो सेंटर पे। तो देखते हैं कैसे करते हैं,
देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर पीस है, ये एज पीस है, इसको हम कैसे देखिए इसको हम कैसे ला सकते हैं। अब हमारा एक है वो हम पहले देखें, ये है हमारा सेंटर, ये देखिए आपका प्लस बन गया। अगर आपका एक्स्ट्रा वाइड भी है तो कोई हैरानी नहीं, क्योंकि हमें इस प्लस पे ध्यान देना है, ये प्लस हमारा बनना चाहिए। प्लस आपका बन गया, येलो साइड से आपका वाइट प्लस बन गया, तो अब से शुरू होती है यहाँ से आपकी टेक्निक। तो टेक्निक क्या है, आप देखिए जो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है इसका जो कलर है और ऊपर वाला जो वाइट का है, इसको अपने अपने कलर से मिलाइए आप। जैसे कि यहाँ पे पहले ही मिला हुआ है रेड और रेड, तो ये ऐसे रखें, इसको 180 डिग्री टर्न दें ताकि ये वाइट वाइट सेंटर के साथ मिले, ठीक है। तो अब अगर हम ये वाला वाइट देखेंगे तो इसमें ये है ऑरेंज, ये है ग्रीन, तो इसको हम अपने ऑरेंज के साथ मिलाएंगे। ये देखिए ऑरेंज के साथ मिल गए अपने सेंटर के साथ, और 180 डिग्री टर्न दीजिए, ठीक है। दिस इज़ ब्लू और ये मिल गया है अपने ब्लू के साथ, इसको 180 टर्न करें। ये ग्रीन है, ग्रीन को अपने ग्रीन के साथ, और ये 180 डिग्री टर्न। इससे क्या होगा कि जब आपकी ये पहली लाइन कंप्लीट होगी, अभी ये नहीं हुई है क्योंकि अभी हमारे वाइट अभी आधे हैं, तो ये जो कंप्लीट होगी ये अपने अपने सेंटर के साथ मिलेगी, जिससे आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। ये प्लस अगर यहाँ आ गया, आप जो हमने ऊपर रेड येलो में बनाया था ये अब नीचे आ गया। अब देखिए अब हम इस पहली लाइन पे कंसंट्रेट करेंगे, इसको कैसे हम करेंगे, उसके लिए पहले क्या करना है हमें ये कंप्लीट करना है, वाइट वाला नीचे वाला जो है इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे 3 नॉन वाइट हैं, मतलब हमें 3 नॉन वाइट नीचे लानी है। वो कैसे लाएंगे हम, उसके लिए देखिए पहले हम, ये एक केस है जहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा फेस पे, दूसरा केस है जहाँ पे आपको नीचे मिलेगा नी बॉटम में, उसके लिए अलग टेक्निक है। अगर आपको ऊपर है तो वो अलग टेक्निक है। फिलहाल हमें ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल वाइट। नॉर्मल वाइट को कैसे हम नीचे लाएंगे, देखिए ये जो वाइट है इसको दो, इसके जो दो कलर्स हैं यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन है, तो हम इसको ऑरेंज और ग्रीन के फेस में लाएंगे। ये इस वक्त रेड और ग्रीन में है, तो हम उसको ऑरेंज और ग्रीन में ले आए, ठीक है। तो वाइट कैसे नीचे आएगा, इसकी जगह जो है इसकी जगह यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लाएंगे, वाइट को जहाँ से मूव करने का मौका है इसको हम वहाँ मूव करेंगे, इसको मूव करने का मौका यहाँ से किया, इसका अपोजिट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब अंडू करेंगे, अंडू यानी वापस, और इसको भी अंडू करेंगे यानी वापस। देखिए ये हमारा पॉइंट यहाँ आ गया, जो यहाँ पे ग्रीन ऑरेंज और वाइट था। इसी तरीके से हमारा ये एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये है ऑरेंज और ब्लू, दिस इज़ ऑरेंज एंड ब्लू फेस। अब ये कहाँ मूव करेगा, दिस विल मूव डाउन, ये ऐसे ऊपर अपोजिट, अंडू अंडू, तो ये पॉइंट भी अपने पास आ गया। अब हमारे पास लेकिन ये एक पॉइंट आ गया, ये दिस इज़ रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू वाला ये वाला फेस है, तो ये इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अब ऐसे मूव नहीं होगा क्योंकि इसका मूव करने का डायरेक्शन ये है, तो इसको मूव करेंगे अपोजिट साइड अप होता है, ये ध्यान रखें क्योंकि अपोजिट साइड अप होता है। इसको अंडू करेंगे, इसको अंडू करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब देखिए अब जो हमारा एक ही पॉइंट है इसको कैसे करेंगे, अगर ये ऊपर होता तो हमें इसको इसके लाइन में लाना था, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल फेस पॉइंट है तो इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते थे, दिस इज़ रेड एंड दिस इज़ ग्रीन, दिस इज़ रेड एंड दिस इज़ ग्रीन, तो ये आएगा यहाँ पे। अब इसको मूव करें ऐसे, अपोजिट अप, अंडू एंड अंडू, तो आपका जो नीचे है वाइट ये कंप्लीट हो गया। अब जब आप देख सकते हैं हमारा जो बॉटम है कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, जो ही आपका ये बॉटम क्लियर होता है आपका जो ये लोएस्ट वाला साइड है ये बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये ग्रीन है तो ये लाइन सारी ग्रीन है, ये ऑरेंज है तो ये लाइन सारी ऑरेंज है, इसी के साथ ऑरेंज, तो ये ब्लू है, दिस इज़ ब्लू, यानी कि आपका एक जो है एक लेवल आफ अप हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चढ़ेंगे इस वाले लेवल पे, यहाँ पे क्या है उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। ऊपर येलो है तो ऊपर आपको ध्यान ही नहीं देना है, नीचे येलो नहीं होना चाहिए किसी साइड से, ये ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच में हमें दो ही करने, क्योंकि सेंटर इज़ ऑलरेडी दियर, ठीक है।
तो हम कैसे करते हैं ये दूसरे के लिए? दूसरे के लिए हम तीसरे वाला एज पॉइंट देखेंगे, दूसरे वाले में दूसरे, क्योंकि एज पॉइंट ही है, एज पॉइंट चेंज होंगे, इसमें कॉर्नर वाला कहीं नहीं आएगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो हम देखेंगे कि नॉन येलो वाले कौन से है, क्योंकि अगर येलो है तो येलो को हम नीचे नहीं लाएंगे क्योंकि येलो हमारा टॉप है। तो हम देखेंगे नॉन येलो हमारा कौन सा एज पीस है ऊपर में, ये है येलो एक साइड से, ये नॉन येलो नहीं है, ये भी येलो है, ये भी हमारा एक नॉन येलो है, यानी कि ये, इसको हम अपने फेस से मिलाएंगे, ये ऑलरेडी ग्रीन ग्रीन के साथ ही है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, अगर ये पॉइंट यहाँ पे ग्रीन और रेड है तो इसकी जगह कहाँ पे है, दिस इज़ ऑरेंज, ये ग्रीन है, इसको हम अपनी जगह लाएंगे ग्रीन पे, ठीक है। अब हमने इसको अपने सेंटर के साथ मिलाया, अब देखिए यहाँ पे ये रेड है और ये ग्रीन है, ये ग्रीन है लेकिन इसकी अपनी जगह कहाँ पे है, ये रेड है, ये ग्रीन है, इसकी अपनी जगह ये है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा, ये तो हम उखाड़ नहीं सकते यहाँ पर लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए क्या ट्रिक है, अगर हमें ये पॉइंट यहाँ लाना है तो देखिए कैसे, तो हम इसको ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमें यहाँ पे लाना होता तो हम इसको ऐसे मूव करते, सिंस ये पॉइंट यहाँ का है तो हम इसको ऐसे मूव करेंगे, इसका अपोजिट ऊपर जाएगा, इसको अंडू करेंगे और ये अंडू होगा। देखिए ये पॉइंट अभी सॉलो नहीं होगा, इसकी वजह से हमारा वाइट जो है ऊपर आ गया। इस वाइट को नीचे लाने के लिए अपना ही तरीका, जो हम वाइट को करते हैं, इसको ऐसे, इसको ऊपर, अंडू अंडू, ये देखिए हमारा ग्रीन और रेड वाला अपनी पॉइंट पे आ गया। अब इसी तरीके से हम देखेंगे और एक नॉन येलो, येलो येलो, ये भी येलो है क्योंकि एक साइड येलो है, ये है हमारे पास नॉन येलो, ब्लू एंड ऑरेंज, ब्लू और ब्लू आपस में मिला है तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है। ये है ऑरेंज, तो मतलब ऑरेंज और ब्लू इसका ये पोजीशन है, इसको यहाँ पे लाना है, तो हम फिर से वही करेंगे, अंडू अंडू, वाइट को फिर से अपनी जगह, अपोजिट ऊपर, अंडू अंडू, देखिए आपका ब्लू और ऑरेंज अपनी जगह पे आ गया। अब देखें आप, हमारे पास यहाँ पे और एक नॉन येलो है, तो यहाँ पे हम आएंगे बराबर, इसको अपने सेंटर के साथ मिलाएंगे, ये देखिए ब्लू और ब्लू मिल गया। अब इसके ऊपर रेड है, यहाँ से है ऑरेंज, तो यहाँ से है रेड, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ का है, तो इसको कैसे यहाँ पे लाएंगे, इसको अपोजिट में टर्न कीजिए, इसको अप, अंडू अंडू, अपनी वाइट को नीचे लाइए ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी हम देखेंगे हमारा कोई बनता है, हाँ ये देखिए एक बन रहा है, ये है ग्रीन और ये है ऑरेंज, ये है ग्रीन और ये है ऑरेंज, मतलब ये पॉइंट यहाँ का है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ कैसे लाएंगे, फिर से वही फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, इसको हम अपोजिट में टर्न करेंगे, इसका अपोजिट ऊपर, अंडू अंडू। अब चूंकि हमारा वाइट ऊपर आ गया, वाइट को वापस लाने के लिए ऐसे ऊपर, अंडू अंडू, ठीक है। इसी से आपकी सेकंड लाइन जो है कंप्लीट हो गई, या तो हमारी सेकंड लेवल जो है, जो लाइन है कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं हर एक कलर अपने अपने साइड से है। तो चूंकि ये हो गया, तो अब हमें क्या करना है, हमें अब टॉप लेयर करनी है। टॉप लेयर, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, नहीं बोल सकते हैं हर को, इसमें एक्चुअली जो हम अब मैं फार्मूला बताने वाला हूँ, जो मेन फार्मूलाज हैं वो सब सॉरी टॉप लेयर को बराबर करने में लगती हैं। अभी चूंकि आपके पास ये कंडीशन है कि फुल येलो है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये फुल येलो हो, ठीक है। तो आपके पास कोई भी कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे येलो ना हो, इस वक्त ऊपर आपको येलो, ये इसको हम एल बोलते हैं, एल शेप, नीचे की दो लाइन्स कंप्लीट हैं और ऊपर आपको ये वाली लाइन कंप्लीट करने के लिए पहला स्टेप नोट डाउन, पहले आपको टॉप लेयर पे प्लस बनाना है येलो का। तो कैसे करेंगे, इसमें आपको डिफरेंट कंडीशन मिलेंगी। एक कंडीशन ऐसी है, एक कंडीशन आपको ऐसे मिलेगी जहाँ पे आप लाइन, आप बोल सकते हैं कि ये एज भी है, लेकिन आप देखें जहाँ पे हम सेंटर को एक्चुअली कंसिडर करते हैं, तो सेंटर से जो गुजरती है ये है लाइन, तो ये एक आपका एक और केस बनता है, या तो आपके पास ऐसा एक केस आएगा,
पॉइंट एक ही हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, यहाँ एज यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इसको हम पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे एक ही कनेक्ट हो सेंटर से। एक्चुअली कोई कनेक्ट ऐसे प्लस में नहीं है तो एक। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको प्लस लाएंगे, तो ध्यान दें आप, अगर आपके पास पॉइंट है तो आप किसी भी साइड इसको ले लें, किसी भी साइड जैसा भी आपका मन करें। चलो यहाँ से हम लेते हैं, तो ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला, ध्यान दीजिए ये आपका क्यूब है, ये ध्यान में रहें कि येलो ऊपर है और वाइट नीचे है, बस ये ध्यान रहना चाहिए। और हम लगाएंगे फ्रंट आर अप आर डाउन यू डैश यानी अप एंटी क्लॉक और फ्रंट एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ये भी कुछ कंडीशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बना, तो हम यही फेस लेंगे फिर से फ्रंट आर यू आर डैश यू डैश एफ। तो हमारे पास लाइन आ गई, जब आपके पास लाइन आ गई तो आप देखेंगे कि दो कहाँ से हैं, यहाँ से हमारे दो वाइट हैं, तो यहीं से लेंगे यही फॉर्मूला एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ। ये देखिए आपका प्लस बन गया, ठीक है। ये जब प्लस आपको बन गया तो आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे आप एज पॉइंट और सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे, यहाँ पे ऑरेंज यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ब्लू यहाँ पे रेड, तो हम पहले ब्लू को मिलाएंगे। हमने ब्लू को इसके साथ मिला लिया तो हम देखेंगे हमारा कौन सा साइड फिर से, ये देखिए हमारा ऑरेंज भी मिल गया। तो ऐसा कंडीशन आपको आएगी कि आपको मिनिमम एक और मैक्सिमम दो मिलेंगे। अगर वो एडजेसेंट आए, ये एक कंडीशन बनती है आपकी, एडजेसेंट में आपको मिला, देखिए ये एज पॉइंट और सेंटर मिल रहा है और ये एडजेसेंट में है तो ये मिला। या तो हमारी एक और कंडीशन बनती है जहाँ पे अपोजिट साइड्स आपका मिलेगा, जैसे यहाँ पे ऑरेंज हो गया और अपोजिट में रेड हो गया, तो आपके दो साइड्स तो होते ही होंगे ही बराबर, लेकिन या तो ये एडजेसेंट होगा जैसे अभी के केस में हुआ था, या तो अपोजिट में जैसे अभी है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें कैसे सॉल्व करेंगे दोनों में बताऊंगा। इसमें क्या है कि जो भी आपका साइड होगा, ये अपोजिट है, इसको आप कोई भी साइड इसको आप राइट से लेंगे, बैक में आप नहीं देखेंगे इस वक्त, क्योंकि अगर एडजेसेंट होता तो आप राइट और बैक में लेते, लेकिन चूंकि ये अपोजिट में बराबर आया तो आप इसको राइट में लेंगे। राइट में लेके भी यही ये एल्गोरिथम आपको अप्लाई करना है जो मैंने बताया था, आर U, R dash, U, R, U2, R dash। देखिए इसको भी अगर हम फिर ट्विस्ट करेंगे, अपनी जगह पे लाएंगे ब्लू ब्लू के साथ, अभी ये मैच नहीं हुआ, लेकिन हमारा क्या होगा कि इससे एडजेसेंट आ सकता है। देखिए हम फिर वही देखेंगे कि हमारा एडजेसेंट कहाँ आएगा, ये ग्रीन के साथ मैच हुआ, देखिए हमारा यहाँ पे एडजेसेंट आ गया इसके साथ। अगर आपके पास एक साइड है उसको राइट साइड से लीजिए और यही अप्लाई कीजिए, आपके दो एडजेसेंट आ जाएंगे, और जब एडजेसेंट आ गया तो एक को राइट और एक को बैक में लेके यही अप्लाई करेंगे, आर यू आर डैश यू आर यू टू दो बार यू और आर डैश। अब इसको हम अपने सेंटर के साथ मिलाएंगे, ये देखिए रेड रेड के साथ, ग्रीन ग्रीन के साथ, ऑरेंज ऑरेंज के साथ और ब्लू ब्लू के साथ मिल गया। तो जब हमारा ये सेंटर का थर्ड वाली लाइन का सेंटर कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम ध्यान देंगे कॉर्नर्स पे। कॉर्नर पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए दो फॉर्मूलाज हैं, तो ध्यान देंगे पहले देखेंगे हम कॉर्नर पॉइंट पे कौन सा कॉर्नर पॉइंट अपनी जगह पे है, जगह यानी वो अपनी प्लेस पे बराबर होना चाहिए फेस के हिसाब से। जैसे दिस इज़ रेड एंड दिस इज़ ग्रीन, दिस शुड बी रेड एंड ग्रीन, जो कि ये नहीं है, ये ऑरेंज और ग्रीन है, मतलब ये अपनी जगह पे बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम ये देखेंगे दिस इज़ रेड एंड ग्रीन, तो ये ऑरेंज और ग्रीन होना चाहिए था, मतलब ये यहाँ का पॉइंट है, ये यहाँ का पॉइंट। अब इसको तो सीधे हम इसको उखाड़ नहीं सकते, इसके लिए अलग एल्गोरिथम आएगा। अब हम पहले वही देखेंगे कि कौन सा हमारा पॉइंट ठीक बैठता है। देखिए दिस इज़ रेड एंड दिस इज़ ब्लू, ये भी नहीं ठीक है, दिस इज़ ब्लू एंड दिस इज़ ऑरेंज, ये भी नहीं ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये वाला आपका पहला केस है जहाँ पे आपका कोई भी कॉर्नर अपनी जगह पे नहीं है, तो आप इसको ऐसे लें और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू आर
u डैश यानी u डिफरेंट डायरेक्शन, l डैश हो गया ऊपर, और u r डैश u डैश और l। ये जब आपने एल्गोरिथम किया तब आप फिर से देखेंगे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स, कोई अगर अपनी जगह पे आया हो, दिस इज़ ब्लू एंड ऑरेंज, ये भी नहीं है, दिस इज़, देखिए ये अपनी जगह आया भी और प्लेस भी सीधे से हो गया, देखिए दिस ब्लू एंड रेड, एक तो अपनी जगह पे आ गए और अलाइन भी ठीक से हो गया। अगर आपके पास ऐसा नहीं होता है तो जहाँ से आपने शुरू किया आप वहाँ से कंटिन्यू कीजिए। अब हमारे पास जब आ गया तो हम इसको हम रेफरेंस लेंगे, ठीक है ऐसे, बट ध्यान में रहे कि हमारा येलो हमेशा अप की तरफ होना चाहिए। तो जब हमने ये ऐसे किया, अब यही फॉर्मूला जो हमने अब तक की, यू आर यू डैश एल डैश यू आर यू डैश एल, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई की। अब हम देखेंगे हमारा कोई और बनता है ठीक, नहीं नहीं नहीं, तो हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए यही u r u डैश l डैश u r डैश u डैश l, देखिए हमारे पास ये एक कॉर्नर ठीक था और हमारा ये भी सही से प्लेस हुआ, ऑरेंज और ग्रीन। अब हमारे पास दो कॉर्नर्स सही से प्लेस हैं लेकिन दो नहीं है, देखिए ऑरेंज और सॉरी ग्रीन और रेड हैं, ये ग्रीन और रेड है, ये अपनी जगह बराबर है लेकिन सही से अलाइन नहीं है, येलो ऊपर होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे निकाल तो नहीं सकते ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये याद रहे, बस जो मैं करूँगा वही करना है आपको, ध्यान नहीं देना है कि इसमें क्यूब में कहाँ को क्या जा रहा है, जब तक नहीं बराबर। ये दो बार आप इस ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ इसको आप दो बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। ये जो येलो फेस कर रहा है आपको राइट साइड से फेस करना चाहिए, जैसे ये लेफ़्ट साइड से फेस कर रहा है तो ये रॉन्ग फेस है हमारा, ये हम रॉन्ग रेफरेंस लेंगे। हमारा ये राइट वाला फेस कर रहा है हमारी तरफ तो हम इसको रेफरेंस लेंगे, और ये फॉर्मूला आर डैश डी डैश डाउन का डी आर डैश डी डैश आर डैश डी डैश आर डी, दो बार आपने फॉर्मूला अप्लाई किया लेकिन आपका नहीं हुआ तो कंटिन्यू कीजिए, आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी। देखिए आपका एक हो गया ठीक लेकिन दूसरा अभी नहीं हुआ, तो जहाँ पे आप यहाँ पे आपका ये दो वाइट बन गया तो इसको और इसको आपस में आप इसको अलाइन करें ऐसे। ये देखिए यहाँ से येलो दो, ये नॉन येलो है तो यहाँ से वाइट दो, ये ऐसे बनना चाहिए। तो यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करिए, आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी, आपका हो गया। तो ये आपका क्यूब सॉल्व हो गया, ये पांच स्टेप्स में होता है। तो बेसिक एक्चुअली यहाँ तक तो आप सीधे कर सकते हैं सेकंड लाइन तक, जो थर्ड लाइन है इसी में आपके फॉर्मूलाज लगती हैं, तीन चार फार्मूलाज, जो मेन फार्मूलाज हैं वो आपको थर्ड लाइन सॉल्व करने में लगती है। तो इसी से आपका क्यूब सॉल्व होता है, जो आप प्रैक्टिस करेंगे इसको मास्टर करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेंगे इस क्यूब को सॉल्व करने में। कोई भी पैटर्न हो, कोई भी आपको जगलिंग करके इसको दे, आपको बताएगा अब करके दिखाओ, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करिए, बेसिक से पहले से यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, आपका क्यूब कम्प्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, आप अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। हम आपके लिए ऐसे ही अगले वीडियोस बनाते रहेंगे, तो थैंक यू।